उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव की अपनी आस्था है और इसी के प्रतीकात्मक तौर पर इस राड़ी के पहाड़ों पे मंदिर बना था बौकनाग भगवान का, जो यहाँ के स्थानीय देवता हैं। कहना गांव वालों का ये है कि जैसे ही ये मंदिर टूटा उसके बाद इन लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द भगवान का मंदिर बनाया जाए, लेकिन उसमें विलम्ब हुआ और फिर उसके बाद ये अनहोनी घटी। अब इसीलिए एक बार फिर से मंदिर स्थापित किया गया है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पुजारी और साथ में गांव के स्थानीय व्यक्ति हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश प्रसाद है सर। मेरा गांव मंझगांव है। मंझगांव में जो है मतलब हमारे इष्ट जो है वासुकी नाग का हम झूलता है मेरे पे, तो मैं यहाँ जो है 3 साल पहले आया यहाँ पे, जो है मतलब सिरपल फोर कर रखा, इन लोगों ने उस पर टच किया, जो जगह दिखाई दे रही वो कटिंग है सर, वो कटिंग जो है काटी इन्होंने, वो कटिंग काट के जो है मतलब देवता ने पहले ही बता रखा था कि इसमें मत छेड़ना, और अब इन्होंने छेड़ लिया तो अब होता तो कुछ नहीं। हम उन जो अंदर बैठे हैं सर ना, हम उनके लिए जो है वो कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और मैंने वहाँ पे जो है फिर भी जो है आज सुबह जो है वो नाग ला के वहाँ पर स्थापित कर दिया, और वहाँ पर जो है थोड़ा पत्थर का जो है छोटा एक मंडोल हिसाब से बना के वहाँ पर वो बना दिया, ताकि जो है मैं वहाँ पर पूजा पाठ कर पाऊँ। ये इसके ऊपर आपने ध्वज भी लगाया है। ये ध्वज वो पहले हम जब से अंदर फंसे हैं उस टाइम से हमारी बराबर पूजा चल रही है, उनके बारे में हमारी बराबर पूजा चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वासुदेव बिजवान है। अब वासुदेव आप ये बताइए कि क्या आस्था है यहाँ पर और अब मंदिर स्थापित क्यों किया? यहाँ पे जो ये पूरा क्षेत्र है ये बाबा वासुकी नाग की भूमि है, और यहाँ पे हम लोगों की आस्था है और इसी पे विश्वास करते हैं। सबसे पहले हमारा ये है कि हम जो अंदर फंसे हुए टंडल में लोग, उनको बाहर आने की बाबा वासुकी नाग से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल बाहर आएं। और यहाँ पे कुछ टाइम पहले हमारे माली जी आए थे और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ऊपर वहाँ पे सिरपल और वो मंदिर छोटा सा बनाया था, उस पर इन कंपनी वालों ने इसको तोड़ दिया, और यहाँ पे विश्वास उन कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने कोई विश्वास नहीं किया, और यहाँ पे जो ये है आस्था है वो विश्वास है इन उस पर ठेस पहुँची है, और हम भगवान बौकनाग देवता से कि वो करते हैं सकुशल लोग बाहर आएँ, और हम यही आस्था करते हैं कि 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं। क्या जो अंदर लोग फंसे हुए हैं, वर्कर्स अंदर फंसे हैं, उनके लोगों ने आपके साथ जाकर ऊपर जो चोटी पर मंदिर है क्या वहाँ पे भी पूजा की? आपने यहाँ मंदिर स्थापित क्यों किया? कल जो है सोमवार को मैं ये सोमवार ही था, कल सोमवार को मैं ये लेबर वालों के साथ जो है ऊपर बौख गया, इन लोगों ने मुझे ले गए ऊपर जहाँ वो मेला लगता है बाबा वासुकी नाग का। हमने सब लोगों के लिए जो है भगवान से दुआएं मांगी, सब लोग सुकुशल जो है घर आए, और हमने उनकी पूजा पाठ की ऊपर मंदिर पे, और पूजा पाठ के जो है करके हम जो है मतलब यहाँ पे आए, तो आज जो है मैं सुबह जो है मंगलवार को यहाँ पे जो है पूजा करने के लिए आ गए, और वैसे जो है मैं यहाँ लगातार जब से फंसे तब से मैं जो यहाँ पूजा पाठ कर रही हूँ। ऊपर आपने पूजा की, यहाँ पर मंदिर स्थापित क्यों किया? यहाँ पे मंदिर स्थापित इसीलिए किया गया क्योंकि जितने भी श्रमिक अंदर हैं उनको सकुशल बाहर आने का वो करते हैं, सभी क्षेत्रवासी सभी ग्रामवासी कि सभी लोग सकुशल बाहर आएँ, बाबा वासुकी नाग से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग कुशल बाहर आएँ। इसीलिए जो नवयुगा कंस्ट्रक्शन है जो ये टनल बना रही है, उन लोगों ने आपको कहा कि आप यहाँ पर स्थापित? हाँ। नहीं, वो पहले यहाँ पे जब पूजा हुई तो यहाँ का जो पीएम के नीचे का है क्या कहते जी यार, उसने जो है मेरे साथ पूजा की वहाँ पे, उसी ने जो है पूजा कराई मेरे से, और फिर उसने कहा कि हो जाएगा जो है वो सही है, और वहाँ पे हमने मंदिर जो है स्थापित किया और झंडी भी लगा रखी वहाँ पे। अब मैं वहाँ पे जो है मतलब पूजा कर रहा हूँ, और कल मैं जो है उनके साथ ऊपर गया था बॉक, जो हमारे जो ये लेबर वाले हैं सारे मजदूर हैं जो भाई अंदर फंसे हैं वो उनके बारे में उनके 8-10 आदमी जो है वो दूर दराज के हैं, और उन्हीं जो लोगों ने मुझे ऊपर ले गए बॉक में, और वहाँ जो है भगवान की पूजा की हमने। अब जब आप तस्वीरें देख रहे हैं कैमरे के जरिए आ रही हैं तो खुशी मिल रही है उन सबके लिए? सब हमें ये है कि ये भगवान का आशीर्वाद है, ये औरों का नहीं है, इंसान का कुछ नहीं, ये भगवान का सारा आशीर्वाद भगवान का है, बाप बौकनाग है। ये वो पुजारी हैं साथ में स्थानीय व्यक्ति हैं
जिन्होंने यहाँ पर मंदिर स्थापित किया और इसी आस्था के साथ अब इंतजार कर रहे हैं 41 जिंदगियों के सकुशल बाहर निकलने का। कैमरा से राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।